लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार गठन को लेकर सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद हैं दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में, आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के एक और पार्टी ने बीजेपी के सहयोगी के साथ कर दिया है बड़ा खेला। बताएंगे कई सारे विधायक थोक में इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल होने वाले। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोपी सीआईएसएफ के कांस्टेबल को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं किसान। बताएंगे इससे नया विवाद होने वाला है शुरू और नीतीश कुमार ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद हो सकता है जनता दल यूनाइटेड और उनके अपने लोग ही इससे हो जाए नाराज। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में मोदी और बीजेपी के लोग एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में अयोध्या के हिंदुओं को गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का करीबी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और उसके सहयोगी दल में आपस में भिड़ गए दोनों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में मुसलमानों का आरक्षण जारी रखा जाएगा, एनडीए की पार्टी ने कर दिया है खुलकर ऐलान। क्या बीजेपी करेगी इस पूरे मामले पर कोई और टिप्पणी या फिर भारतीय जनता पार्टी झुकने वाली है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन अब अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करे, नंबर बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि बस टीडीपी और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी और तभी सरकार बनाने का दावा कर देना है, यानी अभी केवल सांसदों को जुटाने का काम विपक्ष को करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से हड़कंप मस्ता दिखाई दे रहा है दोस्तों। राजनीतिक भूकंप आया हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद जहां पर एक और नकली शिवसेना और नकली एनसीपी को लेकर डिबेट पूरी तरीके से सेटल हो गया है और जनता ने डंके की चोट पर कह दिया है कि शिंदे और अजीत पवार गुट नकली शिवसेना और नकली एनसीपी है बल्कि असली एनसीपी और असली शिवसेना अगर कोई है तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी है। ऐसे में दोस्तों इनके दो चार जो सांसद जीत कर आए हैं नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के, उनके भी अब सांसद अपने पुरानी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। साथ साथ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले तो एनसीपी के नेता अजीत पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, 15 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। तो अब नकली शिवसेना बनाने वाले शिवसेना गुट के नेता शिंदे को भी समझ में आ गया है कि असली शिवसेना कौन सी है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में 6 से ज्यादा विधायक है दोस्तों, सभी 6 विधायक उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ठाकरे गुट की बैठक में शामिल हुए हैं। ठाकरे समूह के एक नेता ने नाम न छापने की जानकारी देते हुए ये बताया है। कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर शिवसेना के नाम से नकली शिवसेना चलाने वाले एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 50 खोके सब कुछ ओके करने के कारण आज पार्टी ही उनके साथ नहीं रहेगी, विधायक ही साथ में नहीं रहेंगे। साथ साथ दोस्तों कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने का मामला विवाद का बड़ा कारण बन गया है। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना के उपमंडल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने अभिनेत्री और बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोपी महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सम्मानित करने की शुक्रवार को घोषणा की है। धरने के संयोजक आजाद पालवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों की बैठक हुई जिसमें कौर के हिरासत से रिहा होने के बाद उसे सम्मानित करने को सर्वसहमति से फैसला हुआ है। पालवा ने कहा कि इस मामले की चर्चा पूरे देश और पूरे दुनिया में हो रही है, कंगना रनौत अब भी वैसा ही बयान दे रही है, उग्रवाद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बयान दे रही है। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर किसानों ने एकजुटता के साथ महिला सिपाही का समर्थन करने का ऐलान किया। साथ साथ एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने भाषण देने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की है दोस्तों, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक समय में नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते थे और स्पष्ट तौर पर कहते थे 2014 में कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे और उसके बाद उन्होंने कई बार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे 2015 हो या फिर उसके बाद के कई और चुनाव हो, लेकिन अब पूरी तरीके से झुक गए हैं। तो उसके पीछे क्या बड़ा कारण है लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी का वो विरोध कर रहे थे और दोनों की उम्र भी लगभग एक ही जैसी है तो फिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, आप लोग का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। अजीत अंजुम बोले, कहा एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने भाषण के बाद नीतीश कुमार मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए अपने हम उम्र मोदी के सामने इतना झुके नीतीश कुमार को आखिर क्या हुआ है, ये सवाल है दोस्तों, आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की जीत का उत्साह मना रहे लेकिन हकीकत यह है कि बड़े बड़े नेताओं के सामने नरेंद्र मोदी दूर दूर तक कहीं नहीं है दोस्तों। जहां पर नरेंद्र मोदी को मात्र 1.5 लाख के वोटों के अंतर से चुनाव में जीत मिली है, राहुल गांधी लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, डिंपल यादव लगभग 2.5 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीती है, जबकि अखिलेश यादव और केएल शर्मा तक अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आंकड़ा काफी कम है जीत का। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले जयपुर डायलॉग में लिखा गया कि इस हिसाब से देख लो अजीत अंजुम, सबसे बड़ा जीत तो बीजेपी के कैंडिडेट शंकर लालवानी का हुआ है। इसके बाद अजीत अंजुम ने निशाना साधते हुए कहा कि मतलब आप मानते हैं कि सबसे बड़ा नेता मोदी नहीं बल्कि शंकर लालवानी जी हैं, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। वैसे लालवानी का मुकाबला नोटा से था क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को पहले ही सेट कर दिया गया था, इंदौर में चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी, जहां पर इंदौर में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया था दोस्तों, यानी सामने कोई मजबूत कैंडिडेट ही नहीं था, तो नोटा से बीजेपी के नेता का मुकाबला था, तब वो 11 लाख से वोटों से अंतर से चुनाव जीते थे। तो अब बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को मिले कम वोट और सबसे बुरी हार वाले जीत को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों आचार्य प्रशांत जो धर्मगुरु है उनकी ओर से एक बड़ी जानकारी देते हुए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के हारने और बीजेपी के लोगों के बौखलाने को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिससे हो सकता है कि अब आचार्य प्रशांत के खिलाफ भी बीजेपी का आईटी
लेकर काम करना शुरू कर दे। दरअसल दोस्तों अयोध्या में मिली भारतीय जनता पार्टी के हार को लेकर आचार्य प्रशांत बोले, ये जो हार हुई है अयोध्या के अंदर, ये किसी हिंदू की हार नहीं है बल्कि कुछ लोगों के अहंकार की हार है। आप लोग जानते हैं कौन ये लोग है जिनके अहंकार की हार अयोध्या के अंदर हुई है, और 80% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र के अंदर राम मंदिर बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि राम के नाम पर केवल धार्मिक अनुष्ठान और धर्म की बातें की जा सकती है। धर्म का इस्तेमाल और राम नाम का इस्तेमाल चुनाव में वोट पाने के लिए नहीं करने दिया जाएगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम तैयारियां मिट्टी में मिल गई दोस्तों। और अयोध्या में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जैसे वाराणसी के अंदर भी जीत का आंकड़ा काफी कम हो गया। साथ साथ दोस्तों मायावती एक और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही थी, तो लगभग 16 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हार केवल इसीलिए मिली क्योंकि मायावती की पार्टी बीएसपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी। काफी कम अंतर से चुनाव हारा गया था। और अब एक और डिटेल में जानकारी सामने आई है दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भी वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के और उनके गठबंधन के चुनाव लड़ने के कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन को काफी ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही कुछ सीटें हैं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें देने को तैयार था लेकिन वो 8 से 9 सीटें मांग रहे थे। हालांकि उनको एक भी सीट महाराष्ट्र के अंदर नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो पूरी तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मदद पहुंचाने वाला काम किया गया है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अकोला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, और आप लोग जानते हैं कि वहां जीत का मार्जिन कितना था। दरअसल दोस्तों मात्र 40,000 के वोटों के अंतर से बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीता था। वंचित बहुजन अघाड़ी का कैंडिडेट यहां तीसरे नंबर पर था, उसको 2,76,000 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर था, यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के पीछे वंचित बहुजन अघाड़ी का कैंडिडेट रहा, यानी उनके चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। इसी तरीके से बुलढाणा की बात करें तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का उम्मीदवार यहां पर 29,479 वोट से चुनाव जीत गया। दोस्तों यहां पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को 98,000 के आसपास वोट मिले, और दूसरे नंबर पर शिवसेना यूबीटी था, यानी शिवसेना यूबीटी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां हार केवल इसलिए मिली क्योंकि वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी यहां चुनाव लड़ रहा था। इसी तरीके से महाराष्ट्र के हथकांगले में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 13,000 वोटों से जीत मिली। यहां पर शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को 32,000 वोट मिले थे। यानी दोस्तों 32,000 98,000 वोटों से चुनाव तो नहीं जीते जाते, लेकिन वीबीए ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था जिसके कारण शिवसेना और विपक्ष के वोट बट गए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ऐसे ही मुंबई नॉर्थ वेस्ट के अंदर मात्र 48 वोटों से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार यहां चुनाव हार गया। वीबीए गठबंधन को यहां पर 10,000 के आसपास वोट मिले, यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के चुनाव लड़ने के कारण कम से कम 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, वरना भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का सूपड़ा साफ महाराष्ट्र के अंदर हो जाता। और नरेंद्र मोदी जो अभी 2 बैसाखी के सहारे सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद तब हौसला भी नहीं रहता सरकार बनाने का। सशस्त्र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव में एनडीए के जीतने के बाद सीबीआई ने लैंड फोर्ड जॉब घोटाला मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, यानी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार बनाने की कोशिश के बीच जानबूझकर कार्रवाई को तेज किया जा रहा है और चार्जशीट दाखिल की गई है। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने 7 तारीख को एक बयान देते हुए बीते दिन कहा है कि एनडीए गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार और टीडीपी को मिलकर साथ में सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कभी भी एनडीए के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी उनके साथ है लेकिन कब तक रहेंगे इसकी कोई उम्मीद उन्हें नहीं करनी चाहिए। आज उनके साथ में है, कल किसके साथ में रहेंगे कोई नहीं कह सकता, हमारे साथ भी आ सकते हैं। यानी राज्यसभा के मेंबर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 साल सरकार चलाने को लेकर बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको नंबर जुटाने पड़ेंगे और टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों को साथ में लाने के लिए इंडिया गठबंधन सतत प्रयास जारी रखेगा। वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बहुमत से नीचे आ गया, तो आधे से ज्यादा बीजेपी के लोग इसी बात को लेकर सदमे में है। तो दूसरी ओर अयोध्या फैजाबाद जिसके नाम पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, वहां पर हार मिलने के बाद अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले इस तरीके से बौखला गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों अयोध्या वासियों को ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही है जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, यानी पूरे हिंदू समाज के साथ साथ अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने की कोशिश करने वाले मनोज तिवारी के सहयोगी और उसके साथ मंच पर दिखाई देने वाले दक्ष चौधरी ने एक बार फिर से वीडियो बनाया और अयोध्या वासियों को जमकर गालियां दी। 6 तारीख को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, इसके बाद मामले पर कार्रवाई की अपील की गई और इसके बाद अनु चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, दक्ष चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों के दोनों वीडियो में दिखाई दे रहे थे। साथ साथ दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी ने देश को संविधान बचाने के लिए लोगों से अपील करनी शुरू कर दी, लोगों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी के नीचे लाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग जो 400 प्लस का नारा दे रहे थे उन लोगों को धरातल पर रहना पड़ेगा और संविधान बदलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि संविधान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद करोड़ों लोगों की जान जाने के बाद बनाया गया है। संविधान वो पवित्र दस्तावेज है जिसका सम्मान भारत के लोग करते हैं और संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपाइयों को चुनाव में हार का सामना करना
करना पड़ा। ज्यादातर बीजेपी के वो लोग चुनाव हार गए जो संविधान बदलने की बातें कर रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन की बैठक के दौरान संविधान को पहले दूर से ही प्रणाम करते थे, अब संविधान को उठाकर माथे में लगाकर प्रणाम कर रहे थे। तो पवन खेड़ा ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि एक और पाठ जो राहुल गांधी ने इन्हें सिखा दिया है, अब यह देश इन्हें इस पवित्र पुस्तक को पढ़ना भी सिखा देगा। यानी राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि देश का संविधान बचाना भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके बाद लोगों ने वोट देकर बीजेपी के नेताओं को समझा दिया कि संविधान के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाई गई तो जनता इसी तरीके से दंड देगी, पनिशमेंट देगी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से संविधान को उठाकर अपने माथे में लगा रहे थे, ये राहुल गांधी की वो तस्वीर याद दिलाती है जिसमें राहुल गांधी संविधान बचाने की मांग लगातार कर रहे थे और संविधान बचाने को लेकर ही लोगों ने वोट डाला था। नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि ये पवित्र दस्तावेज देश के लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र सहित पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों, दावों और आरोपों को याद दिलाकर सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि लोग उनके यानी आशीष सलार के सियासत से इस्तीफा देने से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस्तीफे की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उनको हार का सामना करना पड़ा है। जिन्होंने कसम खाई थी अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन 18 लोकसभा सीटें जीतती है तो वो ऐसा करेंगे। यानी भाजपा के लोग बड़बोलेपन के कारण महाराष्ट्र में अति उत्साहित होकर और ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये बातें कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन 18 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। लेकिन अरविंद सावंत ने कहा है कि जो लोग ये दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो राजनीति से संन्यास दे लेंगे उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। देखते हैं भाजपा नेता अपनी बातों पर खड़ा उतरने की कोशिश भी करेंगे या फिर इसे केवल जुमला साबित कर देंगे। साथ साथ दोस्तों नितिन गडकरी ने दिखा दिया है कि वो मोदी के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम में शामिल होने से हमेशा जिस तरीके से दूर रहे हैं आगे भी दूर रहेंगे। दरअसल एनडीए की बैठक के दौरान मोदी के नारे लगाए गए, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े मेजोरिटी से जीतकर सामने आ गए हैं, जिस दौरान सारे बीजेपी के नेता और एनडीए गठबंधन के नेता जोर जोर से मोदी के नारे लगा रहे थे, उठकर तालियां बजा रहे थे। नितिन गडकरी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, एकदम शांत थे, जो साफ संकेत देता है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी टाइप राजनीति पसंद नहीं करते हैं। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की मांगे काफी तेज है और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तेज होने वाली है। साथ साथ एनडीए की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इलेक्शन के दौरान विपक्ष ने डबल पीएचडी हासिल कर ली है, डबल डिग्री हासिल कर ली है फेक न्यूज फैलाने के लिए और आने वाले दिनों के अंदर भी फेक न्यूज फैलाए जाएंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसमें मुसलमान, मंगलसूत्र, ज्यादा बचे, लव जिहाद, वोट जिहाद, मुजरा, मटन, मछली, घुसपैठिया, लेकिन वो दूसरे को ही सबक दे रहे हैं, दूसरों को ही बता रहे हैं कि वही फेक न्यूज फैला रहे थे। आपका क्या मानना है लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की आगामी सरकार में मुख्य भूमिका निभाने जा रही तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण जारी रखा जाएगा, ये कोई तुष्टिकरण नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की एक अवधारणा है जिसको पूरा किया जा रहा है। पार्टी का ध्यान आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन, वंचितों के उत्थान पर रहेगा। आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा की सीटें, इसमें 12 सीटें टीडीपी को मिली है जबकि 4 सीटें वाईएसआरसीपी को मिली है। तो अब 12 सीटों का समर्थन लेकर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक वो सरकार में तब तक मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण नहीं देने देंगे, एससी एसटी ओबीसी समाज से आने वाले लोगों के आरक्षण को नहीं काटने देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिमों का आरक्षण लागू किया जाएगा लगातार देते रहेंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग टीडीपी के साथ अपना अलायंस तोड़ेंगे? यह बड़ा सवाल रहेगा। इसी के साथ में रेल मंत्रालय जेडीयू चाहता है जेडीयू के नेता और संसदीय दल की बैठक में अनौपचारिक तौर पर बयान देते हुए जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि रेल मंत्रालय हमको मिले, सीतामढ़ी में सीता जी की भव्य मूर्ति स्थापित हो। कुल मिलाकर दोस्तों आनंद मोहन जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है अगर वो ये बयान दे रहे तो इसका सीधा मतलब यह है कि जेडीयू में इस बात को लेकर चर्चा चल ही रही होगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों पर तंज कसते हुए एक मिनी ट्रक दिखाया गया है जिसको चला रहे हैं टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और पीछे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। इस पर लिखा हुआ है 400 पार ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के भरोसे जो सरकार चल रही है वो 400 पार का नारा दे रही थी पहले। सांसद आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता घर में घुसकर वाईएसआरसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों हिंसा का माहौल आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है, यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से राज्य में माहौल बना है एकदम हिंसात्मक माहौल बन चुका है। दोस्तों वाईएसआरसीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के घर पर हमले हो रहे हैं, पूर्व मंत्रियों के घर पर हमले किए जा रहे हैं, यानी पूरा हिंसात्मक माहौल है। हालांकि टीडीपी के नेता ने कहा है कि इस तरीके के अटैक नहीं होने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सारे लोग जीतने के बाद इस तरीके का बवाल क्यों कर रहे हैं? सारे नेताओं को सामने आकर रोकना चाहिए क्योंकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। इस तरीके से तोड़फोड़ करना साफ तौर पर हिंसात्मक राजनीति को बढ़ावा देने जैसा है। साथ साथ दोस्तों अजीत पवार ने ली है एनसीपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी, बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल को भी जिम्मेदार बताया है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वो जिम्मेदारी लेते हैं। इसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल के बयान को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी निशाने पर लेते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये कलेश और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि खुद को जिम्मेदार बताने के साथ साथ दूसरी पार्टी के लोगों को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। पवार परिवार हमारा आपस का मामला है, ये टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि हमें उसे मीडिया के सामने लाने
की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है, चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं उसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। 4 तारीख को देश भर की सभी सीटों पर तय हो चुका है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर दोषी है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाना वो भी अपने सहयोगी के द्वारा साफ तौर पर आपसी कलेश और बढ़ाएगा। सांसद काराकाट सीट पर जिस तरीके से वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार राजनीति में दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद उनका दर्द छलक गया। बयानबाजी का दौर अब पूरे मामले पर चलना शुरू हो गया है। जीते हुए प्रत्याशी खुशी मना रहे, वहीं पर हारे हुए प्रत्याशी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, इसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया वालों ने काराकाट में हार को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सभी को मालूम है, काराकाट में हमारी हार कैसे हुई ये क्षेत्र के सभी लोगों को मालूम है, चुनाव में चूक हुई या नहीं हुई ये सभी को पता है, इस बारे में किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये हाई टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। पवन सिंह फैक्टर के चलते उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। किसी को लग नहीं रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर के नेता बनकर उभरेंगे, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर नहीं था, बीजेपी ने अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार रखा था, नीतीश कुमार का ही पूरा सपोर्ट था और एलजेपी ने भी सपोर्ट कर रखा था, तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेताओं को चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आकर खिसक गए। यहां पर पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, उनको 274,000 वोट मिले, जबकि लेफ्ट पार्टी के CPIML के नेता राजा राम सिंह यहां पर चुनाव जीत गए। साथ साथ RJD की सलाह बीजेपी के सामने नतमस्तक होने की बजाय देश और बिहार के हित के बारे में नीतीश कुमार फैसला ले। दिल्ली के संसद भवन में NDA के नव निर्वाचित सांसदों की बैठक के दौरान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। दोस्तों इस दौरान बिहार के CM नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग इधर उधर करके जीत गए हैं अगली बार वो भी हार जाएंगे, विपक्ष के नेता बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार के संबंध में RJD हमलावर हो गया। RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पिछली बार एक मंत्री का पद दिया गया था जिसके बाद उनकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई थी, इस बार तो वो किंग मेकर की भूमिका में है, तो उनको उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और बिहार और देश के हित में कार्य करवाने चाहिए। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर मोदी और अमित शाह ने क्या क्या बयान दिए थे, सोशल मीडिया पर सारे बयान शेयर किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को अमित शाह ने पलटू बाबू बताया था, नीतीश कुमार को जहरीला जातिवादी बताया था, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की हत्या करने वाला बताया था, गला घोटने वाला नीतीश कुमार को बताया था, नीतीश कुमार को जंगल राज का प्राय बताया था, इसके बाद DNA को लेकर सवाल खड़े किए थे नीतीश कुमार ने, महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर किया था नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने, और भी ऐसी ऐसी बातें कही थी दोस्तों जो बताई नहीं जा सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उधर का बयानबाजी की गई थी और कब अचानक से पलटी मारी गई है। सांसद चंद्रबाबू नायडू और उनकी वाइफ को अचानक से काफी फायदा हुआ है, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार चंद्रबाबू नायडू की पत्नी को 535 करोड़ रुपए का फायदा 5 दिनों के अंदर हुआ है, जबकि उनके बेटे को 237 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। दोस्तों शेयर मार्केट के इजाफे से जानकारी बड़ी आ रही है। सांसद IP सिंह ने बताया कि गजब है भाई, पूंजीपतियों की सरकार बनने जा रही है, गरीब मरे तो मरे उसकी किस्मत, देश की 140 करोड़ आम जनता की दौलत कितनी बढ़ी, ये सवाल पूछा गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। यानी 5-6 दिनों के अंदर पूरा खेला होता नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी के 535 करोड़ रुपए बढ़ जाने और उनके बेटे के 237 करोड़ रुपए बढ़ जाने साफ तौर पर संकेत है दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर भी हो सकता है, अगर TDP BJP मिलकर सरकार चलाए तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सांसद भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक पत्रकार दावा कर रहे थे कि 33 सीटों पर 600,000 वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो इनका आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता और बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती। तो इस पर इंडिया गठबंधन के समर्थक ने कहा कि अगर 33 सीटों पर ओपोजिशन को 600,000 वोट मिल गए होते तो नरेंद्र मोदी झोला उठाकर निकल लिए होते, यानी जयपुर सीट के साथ साथ जयपुर रूरल की सीट और कांकेर की सीट के साथ अन्य सीटों का भी पूरी तरीके से डिटेल देते हुए बताया गया है कि कहां पर विपक्ष को मात्र कुछ हजार वोटों के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 1500, 1600, 1800 वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अगर ये वोट मिल जाते तो खेला अपने आप हो जाता, यानी 6,59,000 वोट मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के CM बनने के लिए चले जाते, जो नीतीश कुमार ने भी कहा था। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया वाले ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है बल्कि बीजेपी को 6,00,000 और वोट मिल जाते तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेती। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन को अगर 6,00,000 वोट और मिल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध दिया गया होता। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके अपने मुरादाबाद के अंदर जो बूथ है उनका अपना क्षेत्र है, वहां पर जो टोटल वोट पड़े उसमें से 672 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिले और 9 वोट बीजेपी को मिले, यानी उनके अपने बूथ पर ही लोगों ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट डाल दिया है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने पार्टी के संगठन को कमजोर बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। पश्चिमी दिल्ली से पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद दलित नेता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन वीक हो गया है, इसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इस तरीके से और भी कई बयान सामने आ रहे दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था, और इसके बाद परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जीत मिली है जबकि कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लक्षद्वीप में एक भी सीट नहीं मिली, पुडुचेरी के अंदर एक भी सीट नहीं मिली, लद्दाख में एक भी सीट नहीं मिली, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली, मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली, मेघालय में एक भी सीट नहीं मिली, मिजोरम में एक भी सीट नहीं
नहीं मिली, पंजाब के अंदर भी एक भी सीट नहीं मिली, यानी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। मीडिया में जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है उसे तोड़ने के लिए डेटा है। साथ साथ पंजाब के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अकाली दल में विरोध और ज्यादा तेज हो गया। लुधियाना के दाखा हल्के के विधायक मनप्रीत सिंह आयली ने सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट पर जो सवाल खड़े किए हैं इससे पार्टी में और ज्यादा आपसी मतभेद देखने को मिलेगा। अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह आयली ने आगे लिखा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ और पंजाब का सिरमौर संगठन है, इसका महान गौरव इतिहास रहा है, इसीलिए पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए मजबूती के साथ। कुछ दिनों में पार्टी के नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों से अकाली दल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पहले किसानों की पहचान करने में नाकाम रही और वर्तमान में पंजाब में चल रही सांप्रदायिक विचारधारा किसानों और पंथ और पंजाबियों का विश्वास हासिल करने के लिए पार्टी को आज बड़े फैसले लेने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर और मजबूती करने की जरूरत है। सांसद 200 प्रशांत किशोर बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए और उन्होंने नींद से जागने के बाद फैसला लिया है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे राजनीति को लेकर। यानी उनको समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेना उनकी राजनीतिक करियर का अंत है। यानी जो प्रेडिक्शन करके बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। सांसद लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर निराशाजनक या फिर उम्मीद से कम परफॉर्मेंस किया है। महाराष्ट्र के अंदर भी प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। हालांकि अमित शाह ने मना लिया है और इस्तीफा नहीं देने दिया जा रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से प्रायोजित मामला है। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका मैं चैनल जय हिंद। जब हमारे जैसा वीडियो शेयर कीजिएगा बहुत।